नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजभान गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक्सटेंडेड इंटरफेस के बारे में। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि इंटरफेस क्या होता है, तो आज हम बात करेंगे एक्सटेंडेड इंटरफेस की। ठीक, तो ये एक्सटेंडेड इंटरफेस क्या है, ये इंटरफेस में इंटरफेस को एक्सटेंड कैसे करते हैं, ठीक, और इसका सिंटैक्स क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस ट्यूटोरियल में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो एक्सटेंडेड इंटरफेस होता है वो कैसे होता है। ठीक, तो इंटरफेस एक्सटेंड करने के लिए जो एक्सटेंडेड होता है, ये की जो वर्ड है अच्छा एक्सटेंड, ये इंटरफेस आपने इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा कि जब एक क्लास को दूसरी क्लास एक्सटेंड करती है तब उसे एक्सटेंड कीवर्ड से एक्सटेंड करते हैं। जब क्लास ए को क्लास बी एक्सटेंड करती है, मतलब इसको सुपर क्लास को बेस क्लास जब इनहेरिट करती है तब के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है। ठीक, लेकिन हम कुछ इस तरह से नहीं करेंगे। हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो एक्सटेंड है तो इंटरफेस में एक इंटरफेस को, किसी एक इंटरफेस को, जैसे यहाँ पे हमने क्लास लिखा है ना, तो इंटरफेस ए को इंटरफेस बी, यानी कि सुपर इंटरफेस को जब बेस इंटरफेस एक्सटेंड करती है, इनहेरिट करती है, तब हम एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करते हैं। ठीक, और इम्प्लीमेंट जो होता है वो इम्प्लीमेंट जब इंटरफेस किसी क्लास में एक्सटेंड होता है, जैसे कि हमने क्लास बी, तो यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड ना लग के इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होता है। ठीक, तो हम देखेंगे कि कैसे एक सुपर इंटरफेस बेस इंटरफेस में कैसे एक्सटेंड होता है। इसलिए हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे होता है ये इंटरफेस एक्सटेंड। ठीक, तो सबसे पहले होता है कि हम एक इंटरफेस बना लें। इंटरफेस कैसे बनाते हैं, इसका सिंटैक्स हमने पिछले ट्यूटोरियल में बात की थी, आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल में जाके देख सकते हैं कि ये एक्सटेंड मतलब इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस का सिंटैक्स क्या होता है, इससे एग्जाम्पल क्या होता है, हम कैसे बनाते हैं इंटरफेस को, तो सारी चीज़ें हमने पिछले ट्यूटोरियल में चर्चा की है। तो सबसे पहले हम इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं और इसके बाद कोई भी हम ए नाम का एक इंटरफेस बनाते हैं, जैसे क्लास ए नाम से बनाते हैं उसी तरह से इंटरफेस ए नाम से बना देते हैं। ठीक, और इंटरफेस का यूज हमने बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस की जगह पे, जैसे सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज होता है और जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए इंटरफेस का यूज किया जाता है। ठीक, तो जैसे मैंने क्लास ए बनाया और इसमें क्या किया हमने, ठीक, और एक मेथड यूज किया है हमने, क्या गेट डाटा, गेट डाटा मेथड जो होता है ये हमने बना दिया, ये हमारा एक इंटरफेस रेडी है। ठीक, अब जब हमें यही इंटरफेस को किसी दूसरे इंटरफेस में एक्सटेंड करें तो कैसे करेंगे ये चीजें, तो हमें इंटरफेस बी में जब हम ए को एक्सटेंड करेंगे, इसके वेरिएबल्स, इसे कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक, और ये होता है फंक्शन या मेथड डिक्लेरेशन। ठीक, तो ये हुआ हमारा पहला इंटरफेस। अब इंटरफेस बी हमने बना लिया, ठीक, अब हमको एक्सटेंड करना है क्या ए को, ठीक, तो हमने इंटरफेस ए को एक्सटेंड कर दिया। ठीक, और इसके बाद हम इसके इसमें भी हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, इंट एक्स और वाई, फिर इसके बाद हम मेथड बना सकते हैं सो नाम से, और ये हमारा क्या हुआ इंटरफेस एक्सटेंड्स, यानी कि हम जब एक इंटरफेस को किसी दूसरे इंटरफेस में इनहेरिट करते हैं, इनहेरिटेंस का मतलब कि हम इसके वेरिएबल्स और मेथड्स दोनों को एक्सेस करते हैं इस इंटरफेस में, यानी इंटरफेस बी में, ठीक, इसके वेरिएबल्स, ठीक, ये आएगा जाना, इसके ये जो वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं तो इसको ये इनहेरिट करता है, उनको ये यूज कर सकता है। ठीक, और ये इंटरफेस बाय डिफॉल्ट पब्लिक बनते हैं। ठीक, इसको पब्लिक बनाते हैं।
अगर हम कोई भी कीवर्ड नहीं यूज करते तो भी ये पब्लिक ही माना जाता है। इसका हम आगे आपको एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि विजिबिलिटी कंट्रोल में आपको हम बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होते हैं। अब हम आपको अगले ट्यूटोरियल में आपको ये बताने वाले हैं कि यहाँ पे तो हमने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया है, जब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट इसको यूज करना है, तब हम इस इम्प्लीमेंट इंटरफेस कैसे करेंगे। ठीक, तो हम आपको अगले ट्यूटोरियल में बताएंगे ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तब तक आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिए दोस्तों, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको और जावा में कहाँ परेशानी है उस चीज़ के बारे में आप हमको कमेंट में बताइए, और हम उस पर ट्यूटोरियल बनाएंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल डिस्ट्रिक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप जावा सीखते रहें दोस्तों। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।